हे गाइस, वेलकम टू यम्मी रेसिपीज। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला इन माइक्रोवेव, और वो भी जस्ट 5 मिनट्स। तो ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये ढोकला। और मेरे पास है IFB का माइक्रोवेव, तो मैं उसमें आपको बताऊँगी कि मैं कैसे बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, 2 टेबल स्पून सूजी। तो यहाँ मैं सूजी डाल रही हूँ। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी। तो उसमें चीनी थोड़ा ज़्यादा रहेगा और नमक मतलब उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम। तो यहाँ देखिए मैंने एक चम्मच मैंने चीनी डाला होगा, 1/4 उसमें डाला है मैंने नमक। और उसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और जो हींग होता है वो डालेंगे हम थोड़ा सा उसमें। इसमें मैंने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और उसमें 1/2 कप पानी। और इसका मैं स्मूथ बैटर बनाएंगे और इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके बैटर बनाना है। तो ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। और इसको 10 मिनट तक रख देंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें इनो। तो यहाँ मैं इनो डाल रही हूँ आफ्टर 10 मिनट्स। और इसको भी हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इनो डालने के बाद हमें तुरंत इसको जो बॉल होता है उसमें निकाल के माइक्रोवेव करना है। तो ये माइक्रोवेव सेफ बाउल है, उसमें हम निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल लिया है। तो ये मुझे IFB माइक्रोवेव के साथ ही मिला था। और इसके बाद मैं माइक्रोवेव में इसको डाल दूंगी। तो इनो डालने के बाद हमें जस्ट डाल देना है और इसे 5 मिनट्स तक हम माइक्रोवेव करेंगे। तो मैं यहाँ पर टाइम सेट कर रही हूँ 5 मिनट्स और देन स्टार्ट बटन को प्रेस करूँगी। तो ये देखिए हो रहा है इसमें। और उसका जो तड़का होता है उसका भी हम तैयारी कर लेंगे साथ साथ। तो ये मेरे पास जो क्रॉकरी है उसमें मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और उसमें डालेंगे हम सरसों, जो ब्लैक वाला राई होता है वो डालेंगे। और उसमें डालेंगे हम करी पत्ता। तो ये मैंने करी पत्ता डाला और देखिए 5 मिनट्स के बाद ये हो चुका है। जो टूथपिक होता है उसे मैं चेक कर रही हूँ कि ये हुआ है या नहीं। तो बिल्कुल अगर ड्राई निकलता है इसका मतलब ये हो चुका है। तो इसको मैं निकाल लूँगी और ये जो मैंने तेल में जो डाल के रखा था उसको मैं माइक्रोवेव करूँगी। तो इसको हमें 2 मिनट्स तक माइक्रोवेव करना है। तो मैंने 2 मिनट्स का टाइम सेट कर लिया है, देन स्टार्ट कर दूँगी इसको। तो और ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया है बॉल से और बहुत सॉफ्ट बना था ये गाइस। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पॉन्जी और कितना सॉफ्ट बना है ये। इसके बाद मैं इसको नाइफ से काट लूँगी स्क्वायर शेप में। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था। और ये देखिए 2 मिनट्स के बाद ये हो चुका है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी इसमें डालेंगे हम। वो जो ऊपर में तड़का जो डलता है वो बनाने के लिए हम कर रहे हैं ये सब। और इसको भी हम थोड़ा देर माइक्रोवेव करेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइम सेट करूँगी 2 मिनट का। लेकिन मैं इसको मैंने 1 मिनट में ही निकाल लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा खोलने लग गया था, बॉयल हो गया था क्योंकि पानी है अंदर। तो आप 1 मिनट में ही इसको निकाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने देखिए स्क्वायर शेप में काट लिया है। ऊपर से वो जो स्पॉन्ज जो मैंने तड़का जैसा बनाया था उसको मैं ऊपर से इसको डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारा ये सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी ढोकला तैयार है और इन जस्ट 5 मिनट्स। आपको आप इसको ज़रूर ट्राई करें गाइज। बहुत जल्दी बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो होप आपको वीडियो पसंद आया गाइज। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी पे। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।